अभी एक सीन था मेरे और मेरे हस्बैंड खोदी. मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, 10 साल हो गए. लेकिन मैं आप देखो, इतनी ये तो मैंने इसलिए वाइट ड्रेस पहनी थी नेक्स्ट सीन के लिए, क्योंकि उसमें मेरी सास की बरसी मना रहे हैं. लेकिन मैं अभी भी सुहागन की तरह रहती हूँ, बड़ी सी बिंदी, सब ज्वेलरी वगैरह लगा के. तो ये सीन मेरे और खोदी जी मेरे हस्बैंड के बीच में था. तो वो बोलते हैं कि असल से ज़्यादा सूद मतलब कितनी प्यारी है. तो मैं बोलती हूँ देखो इसकी शक्ल मुझसे मिलती है ना, कहते नहीं तुमसे नहीं बहू से मिलती है. तो मैं उनको धमकाती हूँ कि देख लो करवा चौथ के व्रत के दिन मैं जलेबी खा लूँगी तब पछताते रहोगे. तो कहती है तुम मेरे लिए करवा चौथ रखोगी? अरे मैं करवा चौथ तो पत्नियाँ इसलिए रखती है कि अमराज से वो अपने पति की लंबी उम्र बांधते हैं, मेरी तो उम्र ही नहीं बची. तो मैं उनको कहती हूँ कि रिश्ता तन का नहीं होता, मन का होता है. भले ही तुम इस दुनिया से चलेगी पर मेरे लिए तो तुम अभी भी हो. मैं तुमको देख सकती हूँ क्योंकि वाकई मेरे को ही दिखाई देते हैं. मैं तुमसे बात कर सकती हूँ तो मैं व्रत क्यों ना रखूँ? तो वो मान जाते हैं और फिर हम एक रोमांटिक सा गाना गाते हैं कि तेरा मेरा प्यार उमर फिर क्यों मुझको लगता है डर. तो यानी कि करवा चौथ का जो सीक्वेंस है वो शूट होने वाला है. करवा चौथ का सीक्वेंस शूट होने वाला है तो उसमें मैं भी प्लान कर रही हूँ व्रत रखने को और मेरी बहू भी व्रत रखेगी. तो आप देखिएगा कि सास बहू कैसे मनाते हैं करवा चौथ. ओके मैम, दिवाली आने वाली है तो क्या कुछ खास प्लान्स हैं आपके? दिवाली तो वही होती है कि मतलब हमारे लिए तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स है क्योंकि इस दिन रामचंद्र जी का स्वागत हुआ था. और सबसे ज़्यादा लक्ष्मी पूजन होता है और लक्ष्मी तो हर जगह हमारे जीवन में होती है क्योंकि लक्ष्मी हो तो फिर घर भी आपके पास होगा, आपकी संतान अच्छे से पढ़ेगी. तो आज के दिन हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं. और मैं तो बहुत मानती हूँ दिवाली को, तो मैं तो एकदम पागल सी हो जाती हूँ और हर बार मैं अपने को समझाती हूँ मैं भी इस साल थोड़ा कंट्रोल में रहना है मानी. लेकिन वही मैं सफाई मतलब देखती हूँ भाई के साथ मैं खुद ही मिलके सफाई कर रही हूँ, रंगोली भी दरवाजे पे बना रही हूँ. मतलब तो मुझे बड़ा मज़ा आता है. और मेरे जो पड़ोसी है वो कहते हैं अरे अब तो आप बेटे की शादी कर लो, बहू सजाएगी. लेकिन मेरा बेटा बोलता है कि बहू भी आएगी तो भी तुम खुद ही करने लगूंगी. तो मैं घर को अच्छे से सजाती हूँ, पर्दे बदलती हूँ, कुशन सब बदलती हूँ. तो बड़ा मज़ा आता है कि दिवाली से पहले शॉपिंग करने जाते हैं. कि तो फेस्टिविटी हमारे लिए तो सबसे साल का सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और आप सबको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. थैंक यू. ओके.